शर्लिन जी, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहोगे? काफ़ी विवाद हो रहा है आपके रील को लेके। लोग कह रहे हैं कि पहले तो आप सिस्टर और ब्रदर थे, आप रोमांटिक कैसे कर रहे हैं? कौन भाई कौन बहन? देखिए, अल्लाह ताला ने मुझको एक भाई और एक बहन से नवाजा और मुझे और बहनें और भाइये नहीं चाहिए, ठीक है? तो मतलब आदिल और मतलब आदिल आपका भाई नहीं है, मतलब आप ही कह रहे? नहीं, मेरी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया उसने। ओके। तो मेरा सगा ना वो है ना उसकी एक्स बीवी है। ओके। लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी आपको इसको लेकर ट्रोलिंग कर रहे कि आपने, क्योंकि उन्होंने किस किया और वो काफ़ी जो उनके फैंस हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं। किसके फैंस? आदिल के फैंस। अच्छा, पसंद कर रहे हैं इस जोड़ी को, पसंद कर रहे हैं। हाँ ये तो है। देखिए क्या बोलूँ मैं, हमारी केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल है और इस वास्ते आदिल चाहते हैं कि मैं उनके साथ कुछ बहुत बड़ा करूँ, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। लोग चाहते हैं कि कोई नया सॉन्ग आए आपके साथ वो रोमांटिक, क्योंकि यू आर द बोल्डेस्ट एंड सेक्सीएस्ट वुमेन इन दिस वर्ल्ड। यस, रोमांटिक होना मुझे बहुत पसंद है, ख़ासतौर पर कैमरा के सामने। उसकी कोई दोहराई नहीं है, इस पर कोई शक नहीं है। तुम बहुत शर्मा रहे हो, क्यों? नहीं नहीं, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यू आर द सेक्सीएस्ट वुमेन इन दिस वर्ल्ड। यस यस, देखिए। और ये ऑल्ट वाला जी से पता चलता है कि एकता मैम ने आपको बैक टू बैक वेब सीरीज में लिया है। यस डेफिनेटली, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर एंड टू ऑल माई फैंस जो मुझे इतना प्यार देते हैं, सो थैंक यू सो मच। लेकिन और जिसमें आपने रील्स बनाई हैं वो सॉन्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राखी सावंत को लेकर बनाया गया है सॉन्ग आदिल खान दुरानी ने। देखिए, उन्होंने जेल को लेकर अपने जो दर्द बताया, उन्होंने अपनी सच्चाई को दर्शाया है, जो जो उन्होंने अनुभव किया है, जो जो सहा है, तो मेरे ख्याल से उनकी सच पर टिप्पणी करना ना हमारा काम है ना आपका। उन्होंने वो सब सहा है, ठीक है? तो ये सच को दुनिया के सामने लेकर आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिनके लिए मैं उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। बैक टू बैक FIR हो रही है राखी सावंत में। फर्स्ट, यू आर द वन पर्सन हु रजिस्टर्ड द FIR अगेंस्ट राखी सावंत। सेकेंड, राजश्री, तनुश्री एंड आदिल खान दुरानी, जो सेम सेक्शन में आपके जो रजिस्टर हुए थे वही सेक्शन में रजिस्टर हुए। क्या कहना चाहिए राखी के बारे में? देखिए, जब जब नाइंसाफ़ी होती है, जब जब दुष्कर्म होते हैं, तब तब किसी ना किसी को आगे आकर आवाज़ उठानी चाहिए। यू आर द वन पर्सन हु फर्स्ट कम फॉरवर्ड एंड यू आर द पावरफुल वुमेन इन दिस कंट्री, लेकिन आप ही फर्स्ट रजिस्टर किया आपने FIR। जी देखिए, हिम्मत करके आना पड़ता है सामने, और मैं ये कहूँगी कि जब जब ऐसा अनर्थ होता है इस समाज में, तो हम सबको आगे आकर इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, और जो दुष्कर्म उसने किए हैं वो सच में बहुत ही शर्मसार हैं, और मैं कहूँगी कि किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को या किसी भी इंसान को इस कदर नहीं गिरना चाहिए। यानी अगर समाज में इंसानियत ना हो और सिर्फ हैवानियत ही हो, तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है कि एक आखिरी सवाल। हाँ। बिग बॉस आ चुका है जी, मुनावर फारूकी हंगामा कर रहे हैं, अंकिता लोखंडे है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कि बिग बॉस, हम शर्लिन चोपड़ा को देखना चाहते हैं लॉकअप के अंदर, एक कंगना रनौत का शो है, बिग बॉस में देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यस, अगर बुलावा आएगा तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है असलीपन दर्शाना और यू नो बगैर किसी मुखौटे के रहना और सिर्फ एक मुंह दिखाना, मुझे बहुत पसंद है। ओके, एक आखिरी सवाल, शर्लिन चोपड़ा को अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, क्या कहना चाहोगे? बेस्ट एक्ट्रेस से नवाजा गया आपको, क्या कहना चाहोगे? ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कितना खुशी महसूस होता है दादा, बहुत 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 अच्छा लगता है जब हमें नवाजा जाता है इस तरह के अवार्ड से और हमारे काम को सराहा जाता है, बहुत अच्छा लगता है और पहले से बेहतर करने का हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपकी खूबसूरत का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का राज मैं योगा करती हूँ,
और मैं आजकल आप योगा कर मीडिया के सामने योगा नहीं कर रही है? नहीं करूँगी मैं बहुत जल्द। और देखिए सीधी सी बात यह है कि खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखें और जितना हो सके खुद पर काम करें। सॉन्ग के बारे में बता दीजिए, कब तक आ सकता है, शूट कब होगा? मैं उतर के क्या आपको मार सकती हूँ? मैं उतर रही हूँ। थैंक यू।